Hello everyone, so today's video is about TYBCOM theory questions of the subject of costing. So I have prepared some questions which will be important from your exam point of view. The questions will be in long answers as well as short notes factor, because as we are aware that hame question paper mein do long answers puche jate hai 10 marks each ke, या फिर उसके ऑप्शन में हमें सॉल्व करना है शॉर्ट नोट्स. तो आई प्रीफर कि आप सभी लोग शॉर्ट नोट्स लिखें, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड. सो ये सारे क्वेश्चंस आप अगर प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे तो इससे रिलेटेड आपको इसका बेनिफिट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मिलेगा. और जैसे आपने मुझे कमेंट किया है कि सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द अमालगमेशन, सो जल्दी मैं अमालगमेशन के ऊपर वीडियो डालूंगा. और अभी मैं कॉस्टिंग की सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम सारे चैप्टर्स को वन बाय वन मार्जिनल स्टैंडर्ड प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट उसके ऊपर भी मैं लेसन्स डालूंगा. तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको काफ़ी बेनिफिट देगा. उसके साथ मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में. और एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यू सीरीज़, तो एमसीक्यू सीरीज़ भी हमारी साइड बाय साइड चलती रहेगी जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स प्रिपरेशंस के लिए हेल्प करेंगे. उसके साथ मैंने अन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी सारे लेसन्स डाले हुए हैं. अगर आपने मुझे अन अकेडमी पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर ले. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपको प्रिपेयर करना है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि एडवांटेजेस हो या बेनिफिट्स हो. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जर्नल एंट्रीज को कैसे याद रखें. मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बना के दे दूंगा कि जिससे आपको जर्नल एंट्रीज जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो जर्नल एंट्रीज का एक मैं वीडियो दे दूंगा. अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपको काफी हेल्प उससे मिलेगा. तो नेक्स्ट इज दी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, ये भी आप उसके रिलेटेड, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट वो भी आप उसको बोल सकते हैं. इसके ऊपर शॉर्ट नोट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा. दैट इज़ अप टू 24% रहा तो पूरा रिज्यूमे ट्रांसफर होता है, 25% से लेके आगे वो रूल जो है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है. नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दैट इज़ रिटेंशन मनी, तो रिटेंशन मनी के ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. द नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों पॉइंट्स प्रिपेयर करके रखना बिकॉज यूजुअली वर्क सर्टिफाइड के बारे में और अनसर्टिफाइड के बारे में भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आ चुका है. देन वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द प्रोसेस कॉस्टिंग, 3 इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन. ये तीनों के बारे में, ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों एक साथ आपको पूछे जाएंगे, लेकिन तीनों अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो एनी शॉर्ट नोट कुछ भी इसमें से आए तो आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स एग्जाम से आप लिख पाओगे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग आपको लिखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको हम मटीरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं. मटीरियल एंड स्टोर्स बेसिकली सेम है, बट मटीरियल से रिलेटेड ही ये सब्सटीट्यूट वर्ड है कॉल्ड एज स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट. नेक्स्ट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABC भी बोला जा सकता है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बन जाएगा. द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से रिलेटेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेरेशंस करके रखना. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरियंस एनालिसिस, तो एज यू आर अवेयर आपको 3 वेरियंसेस मटेरियल के हैं, 3 वेरियंसेस आपको लेबर वेरियंसेस है, तो मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट, सिमिलरली फॉर लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर कॉस्ट, ये 6 वेरियंसेस के बारे में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना बिकॉज किसी भी एक स्पेसिफिक वेरियंस के ऊपर भी कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. दिज ऑल आर दी वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट, एंड सिंस ऑल ऑफ यू आर नॉट लर्निंग थियोरी सो डू कॉन्सेंट्रेट ऑन थियोरी बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर मार्क्स. एज आई ऑलवेज से थियोरी इज मोर इंपॉर्टेंट
since all of you are preparing for practical and theory most of you are ignoring. इसीलिए theory अगर आप पढ़ोगे तो उससे related आपको 20 marks का तो theory से related भी benefit मिलेगा and 20 marks जो आपके objectives आने वाले exam में उससे related भी आपको काफ़ी अच्छा benefit मिल सकता है, जो आपको exam में अच्छे marks लेने के लिए help हो जाएगा. Bye bye, till then work harder, be smarter.